नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है खबर असरदार का। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी ध्वनि मत से पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। दो दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली माँ गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यातमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों पे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है, यह युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है, विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, और मेन चीज क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट नहीं है जो हम लोगों ने समझा है। सो बी हर रिलीजन को दे शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि कोई ऐसी भी इंक्रोचमेंट इसकी वजह से नहीं होती है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा जब सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले हैं। ये उत्तराखंड के विधायक होने के नाते हमारा सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये यूसीसी पास करा दिया। अब सभी मातृशक्ति को, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे, ये देश को दिशा देने वाला एक हमारा कानून पारित हुआ। आज यूसीसी पास हो गया है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आधी आबादी महिलाओं की है तो महिलाओं को जो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिए गए हैं, मैं बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड से कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वचन दिया था और उसे पूरा करके दिखाया है और पूरे राज्य में एक कानून का बिल पास हो गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात और दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। करीब 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस और यूपीए सरकार रही। प्रधानमंत्री ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की नीतियों पर सवाल खड़े किए। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और
और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को झटका दर झटका लग रहा है। महाकौशल के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह ने कमल थाम लिया तो वहीं गुना में दिग्विजय के करीबी सुमेर सिंह गढ़ा को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। झटका कांग्रेस को डिंडौरी में भी लगा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को बीजेपी ने महाकौशल में जोरदार झटका दिया। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जगत बहादुर सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा राकेश सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ छोड़ने की वजह जगत बहादुर सिंह ने यूं बयां की। वो ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत जनपद सदस्य के अलावा पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी का सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया और कहा कि सभी को बीजेपी में मान सम्मान मिलेगा। साथ ही इशारा भी कर दिया है कि आगे और भी लोग बीजेपी में शामिल होंगे। लग नहीं रहा हमसे अलग, अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, ये तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है, और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी, और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को झटका बस इतना ही नहीं लगा। गुना में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले सुमेर सिंह गढ़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको एक कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन कराई है। सुमेर सिंह गढ़ा गुना जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। बमोरी में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व आज राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जुड़ा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमारा पथ जीवन में राजनीति का पथ नहीं लेकिन जनसेवा का पथ है। राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका ये माना जा रहा है। महाकौशल के साथ साथ ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने सेंधमारी की है। ऐसे में पहले से दोनों संभागों में कमजोर कांग्रेस और कमजोर हो सकती है, और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे। यहां पर सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद वो पटाखा फैक्ट्री हादसे के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव धमाके वाली जगह पहुंचे, यहां का उन्होंने मुआयना किया, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने टीम को अगली कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले हवाई सर्वे, फिर घायलों से मुलाकात, और उसके बाद मौके पर पहुंचकर उस जगह का मुआयना जहां पर यह विस्फोट हुआ। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था, और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में
भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था, राव उदय प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। हरदा शहर बारूद के ढेर पर बसा है। शहर में न्यूज 18 ने एक और अवैध फैक्ट्री ढूंढ निकाली। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर अवैध फैक्ट्री में बम और बारूद का जखीरा मिला है। फैक्ट्री के विस्फोट की आग अभी भी सुलग रही है, लेकिन हम अभी उसी रोड पर 1 किलोमीटर आगे हैं जहां पर एक दूसरी फैक्ट्री, आप देखिए किस तरह बारूद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये रस्सी बम बनाने का काम यह चलता था, ये पूरी फैक्ट्री इलीगल तरीके से चल रही थी। आप देखिए यहां पर रस्सी नजर आ रही है, किस तरीके से यहां पर रस्सी बम बनाने का काम चलता था। और ये देखिए आप यहां पर ये किस तरह यहां पर बारूद है, पटाखों की सारी सामग्री है, यहाँ जिस तरह रस्सी बम बनाए जाते हैं, जहाँ बाल मजदूरों से काम कराया जाता था। और इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते थे। और ये बारूद की आपको देखिए बोरी भरी हुई दिखाई दे रही है, मतलब किस कदर से लापरवाही की एक ये स्थिति है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हमने जब इस फैक्ट्री पर कर पता चला कि यहाँ पर क्या स्थिति है, तो हम आपको और भी लोग दिखाते हैं जिनसे बात करते हैं, स्थानीय रहवासी हैं जो यहाँ पर गुस्से में हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री के जो लोग थे सब कल से घटना के बाद काम छोड़कर भाग चुके हैं। ये देखिए आपको ये यहाँ पर किस तरह रस्सी बम बनाए जाते हैं, ये पूरी सुतली बम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा यहाँ पर इन्हें रंग करने के बाद हरे रंग में यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए ये डब्बी लपटाई यहाँ पर, ये पूरी फैक्ट्री अभी सब लोग काम करने वाले से भाग चुके हैं, यहाँ कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और यह फैक्ट्री भी उसी व्यक्ति की है जिसने पटाखा फैक्ट्री को जो विस्फोट हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए लाइसेंस नंबर ये लिखा है, लाइसेंस डारी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, स्टॉक रूम में इसकी क्षमता है 1500 किलोग्राम। तो ये वो फैक्ट्री है जहां कितनी बड़ी मात्रा में टनों से माल भरा है, बारूद ही बारूद है। यही वो आरोपी है जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी फैक्ट्री में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद इस फैक्ट्री पे कोई देखने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए चारों तरफ बारूद का स्टॉक ही स्टॉक नजर आ रहा है। ये देखिए आप, ये पूरे सुतली बम यहाँ पर सूखते हुए दिखा रहे, सब बारूद है इसके अंदर, ये जानलेवा है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वो रंग सब चारों तरफ रस्सी बम है। यह फैक्ट्री बहुत ही रिस्की है, बारूद ही बारूद है, लेकिन अभी तक ना कोई पुलिस का महकमा, प्रशासन का महकमा इस फैक्ट्री को सील करने पहुंचा है, ना किसी ने इसकी सूद ली है। ये देखिए तैयार रस्सी बम भी आप दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके, किस तरह लावारिस अवस्था में पड़े, इनमें बत्ती भी है, सुतली भी है। और यही फैक्ट्री उसी आरोपी की है। स्थानीय लोगों में भी बहुत गुस्सा है कि आखिर इसको इतने लाइसेंस की मंजूरी क्यों दी गई, कैसे दी गई। यहाँ बताया जा रहा है कि जो आरोपी तो अब पुलिस अभिरक्षा में है, लेकिन उनके मजदूर सब भाग चुके हैं और अब यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये पूरी फैक्ट्री लावारिस पड़ी हुई है,
आपका क्या नाम है आपका? हम फैक्ट्री में आप लोग आए यहाँ, क्या नाम है? नसीब खान, हम खेती किसानी, हमारी फसल के ऊपर बारिश छायल है। अच्छा, ये तो आपकी किसकी ये फैक्ट्री अलग है, खेत अलग है? जमीन हमारी है, फैक्ट्री वाला अलग मालिक है, फैक्ट्री दिखती है, ये बाउंड्री दिख रही है। तो ये कब से चल रही फैक्ट्री? ये कब से 15-20 साल से चल रही है। तो यहाँ इतना बारूद है, आप लोगों को डर नहीं लगता इतने? तो क्या कर रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ के भागे फिर क्या? तो आप लोग बोलते हैं, शिकायत की कर दिया, शासन तक पहुंच गई खबर, कहीं मर गया कहीं खबर ला गई, देर के वहाँ के बाद हो गया। तो यहाँ कौन से लोग, कैसे लोग काम करने आते हैं? बाहर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो यहाँ काम करने किस उम्र के बच्चे भी आते थे? स्कूल के बच्चे 10 साल के आ गए, 5-5 साल के बच्चे आते, स्कूल नहीं जाना था, भाई उन्हें गोदी में लगे बच्चे दूध पीते। आपका खेत है, आपने भी शिकायत भी की, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। अब सब ये देखना होगा कि आखिर जो मासूम मारे गए हैं, गरीब मजदूर, उनको कब न्याय मिलेगा। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 हरदा। और इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें, हरदा कांड में हुआ है बड़ा एक्शन। एसपी के बाद कलेक्टर को हटाया गया है, सीएम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हरदा कलेक्टर को मंत्रालय अटैच कर दिया गया है, साथ ही एसपी के बाद अब कलेक्टर को हटाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शैलेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई हुई है? शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, एसपी के बाद अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है। जिस तरीके से कुछ देर पहले एसपी को हटाया गया था और उसके बाद अब कलेक्टर को हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए, जिस तरीके से खुद डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से जो ग्रामीणों की तरफ से जो जानकारी मिली थी कि कई सालों से ये फैक्ट्री जो है वो संचालित हो रही थी, रियायती इलाके में संचालित हो रही थी, उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी परिणति ये हुई कि 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यही कारण है कि एसपी के बाद अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा गया है कि जांच कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया एसपी और कलेक्टर को दोषी मानते हुए दोनों को हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की। तो यहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग कई शहरों से जा रहे हैं अयोध्या। सरकार ने रामलला दर्शन योजना की आज दुर्ग से शुरुआत की और योजना के तहत हर साल 20,000 लोगों को रामलला के सरकार दर्शन कराएगी। दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर राम नाम की गूंज है। अयोध्या राम लला के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त हैं, साथ ही उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, दिग्गज नेता धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। आस्था स्पेशल ट्रेन को इन लोगों ने हरी झंडी दिखाई, लोको पायलट का भी स्वागत किया गया। बहुत ही उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीवन में अपना बहुत बड़ा पुण्य कमाए रहे होंगे कि आज हम लोगों को रामलला जी जो अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राम का दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या, हमारा किस्मत हमारा भाग्य है जो लाखों लोगों ने वहां कुर्बान कर दिया, आज उसके खून जो बह है वहां, आज उसका पुण्य प्रताप से हम लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उनके उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उसके बाद आज हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, रायपुर में अयोध्या से लौटे तीर्थयात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। रामलला के दर्शन के बाद राम भक्तों के चेहरों पर चमक दिखी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया।
अब मुंगेली की तस्वीर भी देखिए। रामलला का दर्शन कर पहला जत्था मुंगेली लौटा, लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। इन लोगों ने रामलला के दर्शन के लिए सरकार का आभार जताया। ये तो बात हुई भक्तों की और आस्था की, लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। जानकारों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण और रामलला के दर्शन से अभिभूत भक्त इसका फायदा भी पहुंचाएंगे। जाहिर है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबरें लगातार जारी हैं, यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।